आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रोहेक्स प्लस जेल के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल इस वीडियो में कि किन कंडीशंस में इस जेल का उपयोग लिया जाता है और क्या क्या साइड इफेक्ट इस जेल के देखने को मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी मेडिकल लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मेट्रोहेक्स प्लस जेल है इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। ये एक ब्रांड का नाम होता है मेट्रोहेक्स। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट और मेट्रोनिडाजोल। देखिए, ये कंपोजिशन की मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाई आती है। ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ डॉक्टर रेड्डी बनाती है, और भी कंपनियां इसे बनाती हैं। ये अपने आप राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, मेट्रोहेक्स प्लस जेल जो होती है एक जेल होती है जिसे मुंह के अंदर यूज़ किया जाता है, टॉपिकली अप्लाई किया जाता है या फिर किसी जख्म पर भी इसे अप्लाई किया जाता है। ये जो दवाई होती है वो एक कम्बिनेशन होता है, दो दवाइयों का मिश्रण होता है। जैसा मैंने पहले बताया, इसके अंदर क्लोरहेक्सिडीन जो होता है वो 0.25% होता है और मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो 10 mg होता है। और ये टॉपिकल सॉल्यूशन होता है। टॉपिकल का मतलब ऊपर से लगाया जाने वाला सॉल्यूशन। और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये दवाई जो है काम करती है। अब देखिए, कौन कौन से यूज़ होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, मेरे जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, उनमें से खून आता है, सूजन रहती है मसूड़ों में से, और मुंह से बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, और जो दांत हैं वो सारे हिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि पेशेंट को जो है पेरिडोंटल डिजीज़ है। पेरिडोंटल डिजीज़ का मतलब दांतों के चारों तरफ जो टिश्यू होता है उसकी डिजीज़ है। उसकी वजह से जो दांत हैं वो पूरे ख़राब होने लग जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो उसे रोकने के लिए डॉक्टर इस दवा का उपयोग जो है पेशेंट को बताते हैं, जिस कंडीशन को जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर किसी को जख्म हो जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए और जो घाव है उसको जल्दी भरने के लिए भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। और देखिए, ओरल इन्फेक्शन को भी, देखिए अगर मुंह में कोई घाव है तो भी उसे ख़त्म करने के लिए इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, इसे मुंह में नहीं निकला जाता, इसे मुंह से बाहर थूक दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा कोई दवाई आती है तो। देखिए, इसका एक्शन समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है, क्योंकि कई बार पेशेंट के मन में भी सवाल उठता है कि ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो ये जो क्लोरहेक्सिडीन होती है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी वाली दवाई होती है जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है, जिससे क्या होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल जो दवाई होती है वो क्या करती है, डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उस पर अटैक करती है और जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे ख़त्म करती है। तो ये क्या है, दो दवाइयों का मिश्रण होता है, इसलिए इस दवा का जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। देखिए, लोकल इरिटेशन हो सकता है इस दवाई को लेने से, और जो मेटालिक टेस्ट जो है देखने को मिल सकता है इस दवाई के उपयोग से, और कोई एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हर पेशेंट में देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, अगर पहले इससे एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट है तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई प्रोडक्ट में अल्कोहल है तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल जो है अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है और वो गंभीर रिएक्शन होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। और देखिए, अपने राइट साइड में आप दवाइयाँ देख रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल और क्लोरहेक्सिडीन की कंपोजिशन की दवाइयाँ। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ब्रांड का लोगो रहता है, जो कंपनी का लोगो यहाँ पर रहता है डॉक्टर रेड्डी का, और कंपोजिशन यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं और पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर ब्रांड का नाम है मेट्रोहेक्स। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ब्रांड के लिए, क्योंकि देखिए कंपोजिशन का ही एक्शन हमारे शरीर में देखने को मिल सकता है। ब्रांड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मेट्रोहेक्स प्लस के बारे में हमने समझा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेक्सी मेट्रो है, लेकिन इसका कंपोजिशन क्लोरहेक्सिडीन और मेट्रोनिडाजोल है। इसके साथ साथ देखिए, इसमें लिग्नोकेन भी है। तो इसलिए मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती है, लेकिन कंपोजिशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखिए, ये था मेट्रोहेक्स प्लस दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।